छत्तीसगढ़ में छाए पेट्रोल डीजल संकट को लेकर राज्य सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखकर आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपूर्ति नहीं होने की वजह से कृषि कार्य सहित कई आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पिछले 1-2 महीनों से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई है। इसकी वजह से कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई हो जा रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 750 आउटलेट्स हैं। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं होने से उन्हें कई दिनों तक बंद रखना पड़ रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों की समीक्षा में पाया गया कि पहले डिपो में बफर स्टॉक 3 से 4 दिनों का रहता था। पिछले 1-2 महीनों से बफर स्टॉक केवल 1 दिन का ही रह रहा है। कई बार यह खत्म हो जा रहा है और डिपो की भी ड्राई हो जाने की स्थिति बन रही है। ग्रामीण अंचलों में रिटेल आउटलेट्स को एडवांस भुगतान के बाद भी डीजल पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मानसून की सक्रियता के बाद छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य जोरों पर है। डीजल नहीं मिलने की वजह से खेती के काम में दिक्कत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल नहीं मिलने से एम्बुलेंस और परिवहन सेवाओं सहित आम लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।